हेलो फ्रेंड्स, मैं संपदा कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल टेक टॉक्स में। आज मैं आपको फाइल हैंडलिंग इन सी पढ़ाने वाली हूँ। उसमें से मैं आपको स्ट्रिंग कैसे राइट एंड रीड करते हैं वो पढ़ाने वाली हूँ। तो ये सेशन में मैं आपको मेनली क्रिएशन ऑफ न्यू फाइल, नया फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग फाइल, एग्जिस्टिंग अगर फाइल है तो वो ओपन कैसे करते हैं, एंड वो जो ओपन किया हुआ फाइल है उसे क्लोज कैसे करते हैं, ये सारे पॉइंट्स इन शॉर्ट पढ़ाने वाली हूँ। क्योंकि मेरे इस वीडियो सेशन का मेन टॉपिक है स्ट्रिंग को फाइल पे कैसे राइट करना है, वैसे ही उसी स्ट्रिंग को सेम फाइल में से रीड कैसे करना है। पर अगर आप लोगों को ये जो तीन टॉपिक्स है, क्रिएशन ऑफ न्यू फाइल, ओपनिंग एज एग्जिस्टिंग फाइल एंड क्लोजिंग अ फाइल, ये अगर आपको पता नहीं है तो मेरे प्रीवियस वीडियो को सबसे पहले देखें और उसके बाद ये वाला वीडियो, करंट वाला वीडियो रिज्यूम कीजिए। उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ पे राइट अप कॉर्नर पे फ्लैश कर रही हूँ, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन इन डिटेल दिया हुआ है। उसमें ही मैंने क्रिएशन ऑफ न्यू फाइल एक्सप्लेन किया हुआ है, ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग फाइल भी एक्सप्लेन किया हुआ है, एंड क्लोजिंग अ फाइल आल्सो एक्सप्लेन इन द सेम वीडियो। तो आप लोग पहले वो देख लीजिए, उसके बाद हम आगे जाएंगे कि फाइल में अगर राइट करना है स्पेसिफिकली अ स्ट्रिंग तो हमें कैसे राइट करना है, वैसे ही वही स्ट्रिंग हमें रीड कैसे करनी है। तो ये सारी चीज़ें, दैट इज़ क्रिएशन ऑफ न्यू फाइल, ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग फाइल एंड क्लोजिंग अ फाइल, जो लास्ट वीडियो में मैंने कवर किया हुआ है इन डिटेल, वो अभी मैं इन शॉर्ट यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। उसके बाद हम मेन टॉपिक को जाएंगे, जो है राइटिंग एंड रीडिंग अ स्ट्रिंग ऑन फाइल। तो सबसे पहले देखते हैं क्रिएट कैसे करते हैं, ओपन कैसे करते हैं एंड क्लोज कैसे करते हैं। उसके लिए मैं ये तीनों चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटा सा एंड सिंपल प्रोग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसमें हमने स्ट्रिंग डॉट एच को इंक्लूड किया है। तो यहाँ स्ट्रिंग डॉट एच जो इंक्लूड किया हुआ है, वो इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि हमारा जो फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम है उसमें हमें फाइल स्ट्रक्चर यूज़ करना मैंडेटरी है। तो ये जो फाइल है यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वो कैपिटल में है और वो इनबिल्ट है, प्री डिफाइन है इस स्टैंडर्ड आयो डॉट एच फाइल में। तो ये सी लैंग्वेज जो है केस सेंसिटिव है, हमें यही सिंटैक्स यूज करना है जिससे हम उसका एक वेरिएबल डिक्लेयर करने वाले हैं। ये जो वेरिएबल अभी डिक्लेयर किया हुआ है उसका नाम है FP, FP स्टैंड्स फॉर फाइल पॉइंटर, क्योंकि ये वेरिएबल जो है वो पॉइंट करने वाला है इस फाइल को। अदर वे राउंड, दूसरी भाषा में हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो फाइल पॉइंटर है उसमें हम स्टोर करने वाले हैं एड्रेस जो ये फाइल का होगा, जो किसी फाइल पे हम काम करने वाले हैं उसका एड्रेस हम दिस FP वेरिएबल में स्टोर करने वाले हैं। तो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर हमें एड्रेस स्टोर करना है तो हमें कौन से टाइप का वेरिएबल चलेगा? क्या ऑर्डिनरी वेरिएबल एड्रेस स्टोर कर सकता है? तो आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि ऑर्डिनरी वेरिएबल एड्रेस स्टोर नहीं कर पाता है, इसलिए हमें यहाँ पे पॉइंटर डिक्लेयर करना है, पॉइंटर FP। तो ये क्या करेगा? तो ये पॉइंटर की हेल्प से, मदद से हम फाइल का एड्रेस ये वेरिएबल में स्टोर करने वाले हैं। अभी मैं आपको फिर से एक चीज़ बताना चाहूँगी, आपको अगर पॉइंटर्स के कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप मेरे चैनल में से पॉइंटर्स इन सी वाली प्लेलिस्ट में सभी टाइप के पॉइंटर्स और उसके डिटेल्स, उसके प्रोग्राम्स, एड्रेस कैलकुलेशन, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। अगेन,
आपके लिए मैं यहाँ पे राइट अप कॉर्नर में वो फ्लैश कर रही हूँ, पॉइंटर्स इन सी। आप वो देखिए, जानिए, पढ़िए और उसके बाद ये वाला वीडियो फिर से रिज्यूम कीजिए। फिलहाल आप ये याद रख सकते हैं कि ये जो FP है उसमें एड्रेस रहेगा जिसका डेटा टाइप रहेगा फाइल, इसलिए हम वेरिएबल जो क्रिएट कर रहे हैं वो इस तरह से हम क्रिएट करने वाले हैं। आगे जाके हमें देखना है ये एफ ओपन फंक्शन क्या होता है। तो ये एफ ओपन फंक्शन हमें फाइल क्रिएट करने में भी मदद करेगा और फाइल एग्जिस्टिंग फाइल अगर है तो वो ओपन करने में भी मदद करेगा। एफ ओपन फंक्शन को मेनली हमें दो पैरामीटर पास करने हैं। पहला पैरामीटर जो है वो होता है हमारा फाइल नेम, दूसरा पैरामीटर जो होता है वो हमारा ओपनिंग मोड, कौन सी मोड में हमें फाइल ओपन करनी है। तो यहाँ पे हम डिसाइड करना है हमें कि फाइल का नाम क्या है। यहाँ पे मैंने फाइल का नाम दिया है फाइल डॉट txt। दो जो हमारा दूसरा पैरामीटर है वो हमारा राइट w पैरामीटर है, वो इंडिकेट करेगा कि हम जो फाइल ओपन करने वाले हैं वो हम राइट मोड में ओपन करने वाले हैं। अभी आप लोगों को दिस राइट मोड के बारे में एक चीज़ हमेशा याद रखनी है। अगर हम फाइल राइट मोड में ओपन करने वाले हैं, इसका मतलब अगर हम यहाँ पे दूसरा पैरामीटर w पास करने वाले हैं तो इसका मतलब है अगर ये नाम की फाइल एग्जिस्टिंग नहीं है तो दिस w मोड विल क्रिएट अ न्यू फाइल। तो अगर ये हमारा फाइल डॉट txt नाम का फाइल क्रिएटेड नहीं है, एग्जिस्टिंग नहीं है, तो ये w मोड इस नाम का फाइल क्रिएट कर देगा। क्रिएट करने के बाद अगर फाइल सक्सेसफुली क्रिएट होती है तो ये एफ ओपन फंक्शन उसका बेस एड्रेस ये रिटर्न करेगा जो हम कलेक्ट करने वाले हैं FP वेरिएबल में। अभी FP वेरिएबल जो है वो पॉइंटर टाइप वेरिएबल है, इसलिए वो FP वेरिएबल एड्रेस स्टोर कर पाएगा। अगर बाय मिस्टेक आप यहाँ पे पॉइंटर देना भूल जाते हो तो ये वर्कआउट नहीं होगा, क्योंकि ऑर्डिनरी वेरिएबल कांट होल्ड एड्रेस। तो ये हो गया फर्स्ट केस कि अगर हमारा फाइल सक्सेसफुली क्रिएट हो रहा है तो ये एफ ओपन फंक्शन उसका बेस एड्रेस रिटर्न करेगा। दूसरा केस ऐसे होगा कि फाइल डॉट txt नाम का ऑलरेडी कोई तो भी फाइल एग्जिस्टिंग है और वही नाम फिर से हम दे रहे हैं टू ओपन अ फाइल विथ w मोड, दैट इज राइट मोड। तो ये क्या करेगा, अगर ये फाइल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है और उसमें कुछ डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है तो w मोड विदाउट एनी कंसर्न वो सारा डेटा इरेज कर देगा और ये फाइल डॉट txt फाइल फिर से ओपन करेगा, बट इट विल ओपन इट एज अ ब्लैंक फाइल। तो जो आपका प्रीवियस वाला डेटा इसमें था वो सारा वैनिश हो जाएगा और ये नया फाइल करके ओपन कर देगा। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है, अगर आपको w मोड यूज़ करना है तो आपको वो बहुत केयरफुली यूज़ करना होगा। अगर w मोड यूज़ कर रहे हो तो आपको ये कंफर्म करना होगा कि जो नाम यहाँ पे दे रहे हो फर्स्ट पैरामीटर वो एग्जिस्टिंग नहीं है। अगर वो एग्जिस्टिंग है तो यू विल लूज योर डेटा विच वॉज अवेलेबल विथ योर फाइल। ओके, सो आपको ये हमेशा याद रखना है। ये हो गई दूसरी केस। तो चलो अभी देखते हैं तीसरी केस। तीसरी केस में क्या हो सकता है, तीसरी केस में ऐसे हो सकता है कि आपने करेक्ट नाम भी दे दिया, आपने मोड भी करेक्टली दे दिया, आपने यहाँ पे फाइल पॉइंटर भी अच्छे से डिक्लेयर किया है, वही फाइल पॉइंटर यहाँ पे यूज कर रहे हो, पर अगर हमारा जो डिस्क है वो राइट प्रोटेक्टेड है और उसमें स्पेस अवेलेबल नहीं है तो ये सारी केस में ये एफ ओपन फंक्शन फाइल क्रिएट नहीं कर पाएगा। तो वो अगर फाइल क्रिएट नहीं कर पा रहा है, मतलब सक्सेसफुली क्रिएट नहीं कर पा रहा है, तो ये एफ ओपन फंक्शन नल वैल्यू रिटर्न करेगा। तो हमें क्या देखना है, क्या सोचना है, अगर FP में नॉट नल वैल्यू है तो
तो वो इंडिकेट करेगा कि फाइल सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, पर अगर इसमें नल वैल्यू है तो वो इंडिकेट करेगा फाइल क्रिएट अच्छे से नहीं हुई है। तो हमें चेक करना है नेक्स्ट स्टेटमेंट में कि एफपी में क्या है, वेदर इट इज़ नल और नॉट नल। अगर ये नल है तो यह इंडिकेट करेगा कि फाइल ओपन हुई नहीं है, एरर इन ओपनिंग फाइल, और हमें वहीं से रिटर्न हो जाना है। पर अगर इसमें नॉट नल है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और हम आगे जाके हमें जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो हम यहाँ पे परफॉर्म कर पाएंगे। यहाँ पे फिलहाल मैं सिर्फ आपको क्रिएशन, ओपनिंग एंड क्लोजिंग एक्सप्लेन करने वाली हूँ, कर रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई टास्क नहीं लिखा हुआ है। हम आगे जाके वो भी देखने वाले हैं कि यहाँ पे हम और क्या कर सकते हैं। तो चलो अज्यूम कर लो कि हमारी फाइल अच्छे से क्रिएट हो गई, आपको पता चल गया कि फाइल कैसे क्रिएट करना है और एग्जिस्टिंग फाइल कैसे ओपन करना है। उसके बाद हम जो टास्क करने वाले हैं उसके भी बाद हमें फाइल क्लोज करना है। फाइल क्लोज करना ये मैंडेटरी है, कंपलसरी है, क्योंकि अगर आप फाइल क्लोज नहीं कर रहे हो तो पॉइंटर ओपन रहेगा और इट विल नॉट परफॉर्म द करेक्ट ऑपरेशंस। तो हमें ये फाइल क्लोज करनी है। यह एफ क्लोज फंक्शन क्या होता है? यह एफ क्लोज फंक्शन जो है वो फाइल क्लोज करेगा, पर कौन सी फाइल क्लोज करेगा? तो ये वो फाइल क्लोज करेगा जिसका एसोसिएटेड फाइल पॉइंटर हम एज अ पैरामीटर पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे एफपी किसके साथ काम कर रहा है? यहाँ पे एफपी वेरिएबल, फाइल पॉइंटर वेरिएबल काम कर रहा है फाइल डॉट टीएक्सटी के साथ। तो इसका मतलब है यहाँ पे ये स्टेटमेंट फाइल डॉट टीएक्सटी वाला फाइल क्लोज कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है, हमें जो फाइल क्लोज करनी है उसका एसोसिएटेड फाइल पॉइंटर हमें यहाँ पे पास करना है पैरामीटर करके, और वो एफ क्लोज फंक्शन वो फाइल क्लोज कर देगा। तो ये सारी डिटेल्स के बाद चलो हम देखते हैं हमारा मेन वाला पार्ट कि अगर हमें स्ट्रिंग राइट करनी है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। स्ट्रिंग क्या होता है? तो स्ट्रिंग होता है सेट ऑफ कैरेक्टर्स। तो अगर हमें सेट ऑफ कैरेक्टर्स राइट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उससे पहले अगर हमें सिंगल कैरेक्टर राइट करना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो आप देख सकते हैं मेरे अलग वीडियो में, जिसपे मैंने फोकस किया हुआ है हाउ टू राइट अ सिंगल कैरेक्टर ऑन अ फाइल। अगेन आपकी फैसिलिटी के लिए मैं यहाँ पे राइट अप कॉर्नर में उसका भी लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ। अगर आपको वो भी देखना है कि सिंगल कैरेक्टर कैसे पास कैसे राइट करना है तो आप ये वीडियो को देख सकते हैं। तो चलो अभी देखते हैं कि स्ट्रिंग कैसे राइट करना है, उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है। तो उसके लिए फंक्शन यूज होता है वो है एफ पुट एस फंक्शन। अब तक आप लोगों ने पुट एस फंक्शन यूज किया होगा, जिसमें आपने पुट एस फंक्शन एक सिंगल स्ट्रिंग को कंसोल पे पुट करने के लिए और राइट करने के लिए यूज किया होगा। वही सेम वाला फंक्शन हम यूज करेंगे फाइल पे राइट करने के लिए, इसलिए इसका नाम थोड़ा सा अलग है। वो जो इंडिकेट करेगा वो ही डिफरेंस दिखाएगा बिटवीन पुट एस फंक्शन एंड एफ पुट एस फंक्शन। एफ पुट एस स्टैंड्स फॉर फाइल, ऑन फाइल यू आर गोइंग टू पुट अ स्ट्रिंग। पुट एस फंक्शन में आप लोग सिर्फ बेस एड्रेस ऑफ स्ट्रिंग पास करते हो। यहाँ पे हमें बेस एड्रेस ऑफ स्ट्रिंग तो पास करना ही है, क्योंकि जो स्ट्रिंग हमें राइट करनी है उसका बेस एड्रेस हमें पास करना पड़ेगा, पर हमें कौन सी फाइल में राइट करना है वो भी पास करना है। इसका मतलब है इसका फाइल पॉइंटर हमें पास करना है। जिस फाइल में हमें राइट करना है उसका एसोसिएटेड फाइल पॉइंटर एज अ सेकेंड पैरामीटर हमें पास करना है। तो यहाँ पे इन शॉर्ट हम दो पैरामीटर पास करने वाले हैं। पहला पैरामीटर है स्ट्रिंग, बेस एड्रेस ऑफ स्ट्रिंग। दूसरा पैरामीटर है फाइल पॉइंटर, एसोसिएटेड फाइल पॉइंटर। तो अभी ये फंक्शन क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा वो हम देखते हैं। तो ये जो फंक्शन है वो क्या करेगा? तो ये करेगा जो स्ट्रिंग का बेस एड्रेस हम पास कर रहे हैं वो स्ट्रिंग राइट करेगा। कहाँ पे राइट करेगा?
फाइल में राइट करेगा जिसका फाइल पॉइंटर, एसोसिएटेड फाइल पॉइंटर हमने यहाँ पे पास किया हुआ है। कहाँ पे राइट करेगा? जहाँ पे करेंटली फाइल पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, जिस लोकेशन पे वो है उसी लोकेशन पे वो वाला स्ट्रिंग राइट कर देगा। अभी अगर ये फंक्शन सक्सेसफुली राइट करता है, स्ट्रिंग सक्सेसफुली राइट करता है, तो वो सेम स्ट्रिंग, वही वाला स्ट्रिंग वो रिटर्न कर देगा। तो उसके रिटर्निंग के बाद हमें पता चलेगा कि सक्सेसफुली राइट हुआ है या नहीं। पर अगर फाइल पॉइंटर एंड ऑफ फाइल पे पॉइंट कर रहा है, जहाँ पे स्पेस अवेलेबल नहीं है ये वाली स्ट्रिंग राइट करने के लिए, तो ये एरर रिटर्न करेगा। एरर क्या रिटर्न करेगा? तो ये रिटर्न करेगा EOF कैरेक्टर। EOF कैरेक्टर स्टैंड्स फॉर एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर, तो वो ये रिटर्न कर देगा। इसका मतलब है कि सक्सेसफुली राइट नहीं हुआ है, स्ट्रिंग जो हम राइट करने की कोशिश कर रहे हैं वो सक्सेसफुली राइट नहीं हुआ है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल एक्सप्लेन किया हुआ है, जिस पे ये वाला पार्ट तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि stdio.h क्या होता है, ये फाइल पॉइंटर क्या होता है, हम जो f ओपन कर रहे हैं राइट मोड में वो क्यों ओपन कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे स्ट्रिंग राइट करनी है, इसलिए हम राइट मोड में ओपन कर रहे हैं। वी आर अज्यूमिंग दैट ये जो नाम हमने दिया हुआ है file.txt, वो फाइल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नहीं है, हमें नए से फाइल क्रिएट करके ये जो स्ट्रिंग यहाँ पे हम राइट करने की कोशिश कर रहे हैं वो हम राइट करने वाले हैं। अगेन यहाँ पे फिर से हमने चेक किया हुआ है वेदर द फाइल इज क्रिएटेड सक्सेसफुली और नॉट। लेट्स अज्यूम फाइल जो है हमने क्रिएट किया हुआ वो सक्सेसफुली क्रिएट हो रहा है। अभी यहाँ से हमारा मेन पार्ट स्टार्ट हो रहा है, जिस पे हम स्ट्रिंग राइट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो स्ट्रिंग वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया हुआ है वो है सेट ऑफ कैरेक्टर्स, करेक्ट? तो ये सेट ऑफ कैरेक्टर्स में मैं यहाँ पे एक सेंटेंस असाइन करने वाली हूँ, दैट इज स्ट्रिंग असाइन करने वाली हूँ। तो वो सेंटेंस है दिस स्टेटमेंट इज टू राइट ऑन फाइल। तो ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला सेंटेंस एज अ स्ट्रिंग आई एम गोइंग टू असाइन टू str वेरिएबल, वही मैं अभी राइट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसलिए मेरा फर्स्ट पैरामीटर हो गया बेस एड्रेस ऑफ द स्ट्रिंग, सेकंड पैरामीटर हो गया एसोसिएटेड फाइल पॉइंटर, क्योंकि मुझे कौन सी फाइल में राइट करना है, मुझे राइट करना है file.txt में, उसका एसोसिएटेड फाइल पॉइंटर कौन सा है fp, इसलिए मेरा सेकंड पैरामीटर हो गया fp। तो ये fputs फंक्शन जो है वो राइट कर देगा दिस स्टेटमेंट इज टू राइट ऑन फाइल, ये पूरा स्टेटमेंट वो वहाँ पे राइट कर देगा। वो राइट करने के बाद हमें हमारा डिजायर्ड जो एम था इस प्रोग्राम का, हमारा जो रिक्वायरमेंट थी वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, इसलिए मैं यहाँ पे फाइल क्लोज कर रही हूँ यूजिंग एफ क्लोज फंक्शन, उसके बाद मैं यहाँ से एग्जिट हो रही हूँ। सो इस तरह से आप सिंगल स्ट्रिंग यहाँ पे राइट कर सकते हो। उसके बाद अभी हम देखते हैं कि वही वाला स्ट्रिंग अगर हमें उसी फाइल में से रीड करना है तो हमें क्या करना है। तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? उसके लिए हम फंक्शन यूज करेंगे fgets फंक्शन। अभी वही बात फिर से मैं दोहराऊंगी कि getS फंक्शन आप सब लोगों को पता है getS फंक्शन क्या करता है, उसी तरह से हम सेम fgets फंक्शन करेंगे, यूज करेंगे, जिसका मतलब है हम स्ट्रिंग रीड करने वाले हैं बट नॉट फ्रॉम द कंसोल, फ्रॉम द फाइल, इसलिए यहाँ पे f लिखा हुआ है fgets। उसके लिए हमें मेनली तीन पैरामीटर पास करने हैं। पहला पैरामीटर स्ट्रिंग वेरिएबल, जिसमें वो स्ट्रिंग कलेक्ट हो जाएगा जो हम रीड करने वाले हैं। दूसरा पैरामीटर हाउ मेनी कैरेक्टर्स, कितने कैरेक्टर्स आपको रीड करने हैं फ्रॉम दैट फाइल, वो हमें सेकंड पैरामीटर करके पास करना है। और थर्ड पैरामीटर कौन सी फाइल में से रीड करना है, इसके लिए फाइल पॉइंटर एज अ थर्ड पैरामीटर। ये फंक्शन क्या करेगा? तो ये फंक्शन जो है वो स्ट्रिंग रीड करेगा फ्रॉम द स्पेसिफाइड फाइल। तो ये क्या करेगा, अभी यहाँ पे जो हमने n स्पेसिफाई किया हुआ है
तो n माइनस वन कैरेक्टर्स वो रीड करेगा, उसमें से वो क्या क्या रीड करेगा, वो सभी कैरेक्टर तो रीड करेगा ही, उसके साथ साथ वो अगर न्यू लाइन कैरेक्टर आता है तो वो भी वो रीड करेगा, अगर एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर आता है वो भी वो रीड करेगा, बट अगर न्यू लाइन और एंड ऑफ फाइल अगर आता है इन दोनों में से जो फर्स्ट आता है वो पहले वो रीड करेगा एंड वो वाला स्ट्रिंग वो रिटर्न करेगा एंड वो हमें कलेक्ट करना होगा। आई विल एक्सप्लेन, ये सारी चीज़ें मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगी इन द एग्जाम्पल। तो ये क्या रिटर्न करने वाला है, वो रिटर्न करेगा सेम स्ट्रिंग जो रीड कर रहा है, अगर सक्सेसफुली रीड होता है तो वो सेम स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, पर अगर एंड ऑफ फाइल और नो कैरेक्टर हैव बीन रीड फ्रॉम द फाइल, अगर कुछ कैरेक्टर है ही नहीं उस फाइल में और अगर एंड ऑफ फाइल है तो वो क्या रिटर्न करेगा, नल रिटर्न करेगा। तो अगर नल रिटर्न करता है इसका मतलब रीडिंग इज नॉट सक्सेसफुल, बट अगर उसमें कुछ स्ट्रिंग रिटर्न करनी है तो वो रिटर्न करेगा सक्सेसफुल, अगर रीडिंग है तो ही वो स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। अभी मैं आपको ये सारी चीज़ें एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। यहाँ पे फिर से हमने ये सारी चीज़ें जो प्रीवियसली एक्सप्लेन की हुई है अभी मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आप लोगों को ये पता है। यहाँ पे सिर्फ एक आगे वाला चेंज है जिसमें मैं फाइल जो है वो रीडिंग के लिए ओपन कर रही हूँ, इसलिए मेरा सेकेंड पैरामीटर एफ ओपन फंक्शन के लिए मेरा सेकेंड पैरामीटर होगा आर। आर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, हम जो फाइल ओपन कर रहे हैं वो रीड मोड में ओपन कर रहे हैं। अभी फिर से मैं आपको फिर से एक बार बोलूँगी कि आपको रीड मोड क्या है वो पता होना चाहिए। इन शॉर्ट मैं अभी आपको फिर से बता देती हूँ कि रीड मोड में फाइल ओपन करने के लिए फाइल का नाम हम जो यहाँ पे फर्स्ट पैरामीटर करके पास कर रहे हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होना चाहिए, अगर वो एग्जिस्टिंग नहीं है तो वो रीड मोड में ओपन नहीं करेगा। आप लोगों को पता है अगर फाइल एग्जिस्ट ही नहीं है तो वो हम ओपन रीड मोड में कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए हमें यहाँ पे थोड़ी सी केयर लेनी है कि जो फाइल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है जिसमें कुछ डेटा है स्पेसिफिकली फॉर दिस पर्पज, उसमें अगर स्ट्रिंग है तो वही फाइल हमें रीडिंग मोड के लिए ओपन करनी है। तो फिर से वही चीज़ें हैं, अगर सक्सेसफुली रीड मोड में फाइल ओपन होती है तो उसका बेस एड्रेस फाइल पॉइंटर में आ जाएगा, अगर ओपन नहीं होती है तो इसमें नल पॉइंटर आ जाएगा। और एग्जांपल ऐसे कि फाइल एग्जिस्टिंग नहीं है तो भी वो यहाँ पे फाइल पॉइंटर में नल रिटर्न कर देगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एरर इन ओपनिंग फाइल एंड विल रिटर्न बैक, क्योंकि आगे हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे अगर हमारी फाइल ओपन ही नहीं हो रही है। अभी चलो अज्यूम करते हैं कि हमारी फाइल अच्छे से ओपन हो गई है और एफ पी में उसका बेस एड्रेस है ना कि नल पॉइंटर, तो ये इफ़ कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगा और वो आगे जाके यहाँ पे हम इफ़ कंडीशन में स्ट्रिंग रीड कर रहे हैं। यहाँ पे हमने दोनों चीज़ें एक साथ की हुई है, या कि दोनों चीज़ें मतलब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जो स्ट्रिंग यहाँ पे वो रीड कर रहा है वो अगर सक्सेसफुली रीड करता है तो इसका मतलब है वो स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, अगर वो नॉट नल है, करेक्ट, हमें उसको नल के साथ कंपेयर करना है, अगर वो नॉट नल है इसका मतलब हमारा कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब सक्सेसफुली स्ट्रिंग रीड हुआ है और वो स्ट्रिंग क्या है वो हमें देखना है, इसलिए हम वो पुट कर रहे हैं ऑन द कंसोल, तो यहाँ पे कंसोल पे वो राइट कर देगा, पर अगर सक्सेसफुली रीड नहीं हो रहा है तो वो रिटर्न कर देगा नल, नल इज़ नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन विल बी फॉल्स और वो यहाँ पे एंटर ही नहीं करेगा दिस इफ कंडीशन में, वो फाइल क्लोज कर देगा और प्रोग्राम में से एग्जिट हो जाएगा। तो अभी हम अज्यूम करते हैं कि वो अच्छे से रीड कर रहा है, सक्सेसफुली रीड कर रहा है, तो सक्सेसफुली रीड करने के लिए हमें तीन पैरामीटर पास करने हैं। सबसे पहला पैरामीटर तो होगा बेस एड्रेस ऑफ द स्ट्रिंग जिसमें वो स्ट्रिंग कलेक्ट होने वाली है, यहाँ पे हमने देखा है यहाँ पे str हम पास कर रहे हैं क्योंकि दिस फर्स्ट पैरामीटर में हम वो स्ट्रिंग कलेक्ट करने वाले हैं। दूसरा पैरामीटर है हमें कितने कैरेक्टर्स रीड करने हैं,
वो हमारा दूसरा पैरामीटर हो गया। कौन सी फाइल में से रीड करने हैं, वो हो गया हमारा एसोसिएटेड फाइल पॉइंटर यानी कि थर्ड पैरामीटर। तो ये सारी चीज़ें मिला के हम जो स्ट्रिंग रीड कर रहे हैं वो अगर नॉट नल है, मतलब सक्सेसफुली रीड किया हुआ है, तो हमें वो कंसोल पे राइट करना है। तो ये कंसोल पे वो स्ट्रिंग राइट कर देगा और आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि यू आर गेटिंग द करेक्ट आउटपुट। ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने से पहले आप लोगों को वो प्रीवियस वाला प्रोग्राम जो मैंने राइट के लिए एक्सप्लेन किया हुआ था टू राइट अ स्ट्रिंग फ्रॉम फाइल, मैं आपको फिर से एक बार दिखा देती हूँ। तो ये वाला जो प्रीवियस वाला था, हाँ ये वाला प्रोग्राम, पहले आपको ये वाला एग्जीक्यूट करना है, उसके बाद आपको ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, तभी आपको करेक्ट आउटपुट मिलेगा। क्योंकि उस फाइल में हम फाइल डॉट टी एक्स टी नाम की फाइल क्रिएट कर रहे हैं, वहाँ पे डेटा और स्ट्रिंग राइट कर रहे हैं और फिर यहाँ पे हम फिर से वही फाइल रीड मोड में ओपन करके स्ट्रिंग रीड कर रहे हैं। तो रीड करने के बाद हमारा डिजायर्ड जो एम है, हमारा जी रिक्वायरमेंट है, वो कंप्लीट होने के बाद हम यहाँ पे फाइल क्लोज कर देंगे और फिर उसके बाद हम एग्जिट हो जाएंगे। तो इस तरह से हम फाइल में से स्ट्रिंग रीड कर सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल हमने एक ही स्ट्रिंग रीड किया हुआ है, अगर आपको मोर देन वन स्ट्रिंग रीड करनी है तो हमें इफ गेट एस फंक्शन मोर देन वन टाइम लिखना पड़ेगा हमारी प्रोग्राम में और अकॉर्डिंगली हमें हमारी प्रोग्राम में चेंजेस करने पड़ेंगे। सो मुझे आई होप कि आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आ रही है और आपको कैसे स्ट्रिंग रीड करना है, राइट करना है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही है। तो थैंक यू डियर फ्रेंड्स, आपने पेशेंटली मेरा वीडियो देखा, सुना, पढ़ा। आपको अगर इसके कंटेंट अच्छे लगते हैं, मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, तो उसके लिए कमेंट डालना ना भूलिए। और अगर आपको वही कंटेंट अच्छे लगते हैं तो लाइक करना भी ना भूलिए, मेरे चैनल टेक टॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए एंड शेयर करना ना भूलिए। आपके फ्रेंड्स के साथ वीडियोस शेयर कीजिए और आप बेल को रिंगिंग रखिए, ये रिंगिंग बेल आपको मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन देता रहेगा। थैंक यू। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे कुछ वीडियोस की लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, जिसमें से आपको और कई वीडियोस मेरे चैनल में से देख पाओगे, पढ़ पाओगे। आप वो भी वीडियो देखिए, जानिए, पढ़िए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।